अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने फर्स्ट टर्म का सिलेबस के पहले कवर किया, उसके बाद हमने अपना रिवीजन टेस्ट दिए और राउंड टेस्ट कंप्लीट किए, वैसे ही अब हमारी सेकंड टर्म स्टार्ट हो रही है आज से। तो हम सबसे पहले आज काम करेंगे सोमवार 1 जून 2020 का, और जो मजमून हम पढ़ रहे हैं इस वीडियो में वो है इस्लामियात। आज का जो हमारा टास्क है वो है दुरूद इब्राहिमी। दुरूद इब्राहिमी के लिए आप अपनी बुक का पेज नंबर 5 ओपन करें। अच्छा, तो ये है बुक का पेज नंबर 5। इसके बिल्कुल एंड पे पहले सिर्फ आते हैं, फिर अत्तहियात और फिर उसके बाद दुरूद इब्राहिमी, ये लास्ट में है। इसकी आपने अरेबिक जो है वो भी बहुत अच्छी बात है अगर आप तैयार करते हैं, वरना इसका तर्जमा आपके पेपर में आता होता है और वो आपने करना होता है। अगर नाजरा में आए तो ये एज ए जस्ट अरेबिक भी आपको सुनानी पड़ती है। तो आपने इसकी अरबी और तर्जमा कोशिश करनी है कि दोनों याद होना चाहिए। दुरूद तो हमें हमारे लिए याद करना बहुत ज़रूरी है। चलें अब हम इसका तर्जमा देखते हैं। तर्जमा है, ए अल्लाह, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर रहमत नाजिल फरमा, जिस तरह तूने रहमत नाजिल फरमाई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर। बेशक तू तारीफ़ के लायक बड़ी बुज़ुर्गी वाला है। इसके बाद नेक्स्ट वर्स का तर्जमा है, ए अल्लाह, बरकत नाजिल फरमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की आल पर, जिस तरह तूने बरकत नाजिल फरमाई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर। बेशक तू तारीफ़ के लायक बड़ी बुज़ुर्गी वाला है। यहाँ तक की तर्जमा है बेटा आपका, और ये जस्ट तर्जमा नहीं है, ये एक दुआ है जिसमें हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमाने के लिए दुआ मांगी गई है, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर। और इसी तरह इसमें अल्लाह ताला की बुज़ुर्गी और बड़ाई बयान की गई है। इसी तरह सेकंड वर्स में बरकत नाजिल फरमाने की इस्तदा अल्लाह ताला से की गई है। यह तर्जमा है और आपने इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और इसको याद करके अपनी नोटबुक्स पर लिखना है। अल्लाह हाफिज़।